ही रामायण के अंदर आता है कि हनुमान जी का भला प्राकट्य हुआ तो कैसे हुआ। हम जानते कि ना जो यज्ञ हुआ था पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अंदर फिर यज्ञ पुरुष आया, यज्ञ पुरुष यहाँ पे इतना बड़ा घड़ा था उसमें खीर भरी थी, इतना बड़ा घड़ा पर दशरथ महाराज कैसे पकड़ेंगे उसको, उसको छोटा हुआ वो अपने आप में, उसको दशरथ महाराज को दिया गया, उसे कौशल्या जी ने भी लिया, उसको सुमित्रा ने भी लिया और कैकेयी ने भी लिया। तो कौशल्या जी ने उसमें से 1/2 लिया, बाकी 1/4 दिया सुमित्रा को और कैकेयी को। तो कैकेयी थी उसमें से उन्होंने भी आधा लिया और आधा दे दिया सुमित्रा को, तो सुमित्रा के पास है 1/4 भी और 1/8 भी। तो इसलिए कौशल्या जी के यहाँ हुए राम जी, कैकेयी जी के यहाँ हुए भरत जी। तो एक जो 1/4 है उनसे हुए लक्ष्मण और जो 1/8 है उससे हुए शत्रुघ्न जी। तो इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य सुमित्रा मानती थी अपना, रीजन बीइंग लेटर ऑन वन बिकेम सर्वेंट ऑफ राम, वन बिकेम सर्वेंट ऑफ भरत। तो सुमित्रा जी का मानना यह था कि वास्तव में ये जो अमृत का पान हुआ है, जो खीर का जो पान किया है, इसमें सबसे बड़ा लाभ कौशल्या और कैकेयी से बड़ा लाभ मेरा हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इनके सेवक हैं, एक राम जी का सेवक है एक भरत जी का सेवक है। तो इसे सुमित्रा जी को बड़ा बहुत अच्छा भाव था उनका, इसलिए उन्हें सबसे आखिर में खीर पाई। जो सबसे आखिर में पाता है उसका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखा है जो सबसे आखिर में भग पा रहे होते हैं, जिन्होंने लंगूर को भाया, मंदिर को भाया, सरी वगैरह की बार पूछा प्रभु जी और को चाहिए, गुलाब जामुन दें, ये दें वो दें, तो सबसे बड़ी कृपा उनको मिलती है जो सबसे आखिर में पाते हैं। तो सबसे आखिर में पाया किसने, सुमित्रा जी ने। और इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य उनका हुआ कि उनको उनके दो बेटे हुए, दोनों के एक एक हुए, इनके दो हुए और दोनों इनके सेवक हुए। लेकिन इसके बाद भी जो खीर जो का जो प्याला था इन्होंने तो पा लिया, फिर भी ना खीर किनारे में लगी रही थी। तो तभी जो है वहाँ पर एक बाज आया और वो खीर का जो कसौला था उसको लेकर के उड़ के चला गया। ये दे दिया उसने अंजना मैया को। अंजना मैया ने कहा अरे ये तो अद्भुत है, ये जो क्योंकि जो खीर थी इट वॉज वेरी इफल्जेंट, बड़ी तेजस्वी थी, उसमें से ओज निकल रहा था, ऐसी खीर थी। तो देखते पहचान गई अंजना मैया की ना ये कोई साधारण खीर नहीं है। तो उन्होंने उसको पा लिया, उसकी वजह से उनको हुए हनुमान जी। सो उच्चिष्ट का भी उच्चिष्ट का जो उच्चिष्ट पाए उनको फिर मिले हनुमान जी। तो अगर कोई चाहे भाई हमारे यहाँ भक्त पैदा हो, चरित्रवान बच्चे हो हमारे यहाँ पर, कैसे होंगे जब आप उच्चिष्ट का भी उच्चिष्ट पाएंगे तो आपको फिर सबसे अधिक फल प्राप्त, बड़े प्राप्त फल प्राप्त होगा। तो इसलिए फिर हनुमान जी इस प्रकार से प्राप्त हुए अंजना मैया को। हालांकि और भी कई कारण हैं, जैसे कि जो हमने मोहिनी मूर्ति की जो लीला जो सुनते हैं कि हम जो मोहिनी अवतार की जो लीला हुई उसमें जहाँ जहाँ शिव जी जा रहे थे तो उनका जो दिव्य वीर है, नॉट ऑर्डनरी वीर, हम लोगों जैसा नहीं, दिव्य वीर जो जब वो गिरा तो उसको पवन देव ने उसको लिया और उसको लेकर के अंजना मैया के घर में डाला। तो यहाँ पर महाप्रसाद है, एक तो तीनों माताओं का महा महा महाप्रसाद, साथ ही साथ में यहाँ पर शिव जी की भी शक्ति है। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय ज्योत महांजलि, जय 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 बजरंगबली, सुना आपने ना। तो इस प्रकार से तो शिव जी का भी अंश है और साथ में क्योंकि पवन देव ने इंस्टॉल किया है इस वीर को उनके गर्भ के अंदर, तो इसने पवन पुत्र भी कहलाए। तो पवन पुत्र भी हैं और रुद्रावतार भी हैं, साथ साथ में राम जी के शुद्ध भक्त भी हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें विशेष हैं हनुमान जी के अंदर। और हनुमान जी की शक्ति कितनी ज़्यादा है कि वाली, वैसे वाली के साथ ये था कि वाली के सामने जो भी आएगा वाली की आदि शक्ति उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, सॉरी वाली के अंदर उस व्यक्ति की आदि शक्ति आ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ, हनुमान जी के सामने आ गए वाली। अब हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति कि ना पावर ओवरलोड हो गया, इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संभाल नहीं पा रहा। तो इसीलिए ना ही वॉज अबाउट टू बस्ट, हनुमान जी ने कहा ले लो हमारी आदि शक्ति, आप ही ले लो वाली, फटोगे बेटा तुम और कुछ नहीं। सो वाली टुक आउट हिज लॉकेट, वो जो लॉकेट था जो इंद्र ने दिया था जिसकी वजह से आदि शक्ति आती थी निकाल, अरे उसको डिसकनेक्शन करना पड़ा। अगर कनेक्शन में रहता सॉफ्टवेयर हार्डवेयर